तो गाइस यार आज यार सुबह सुबह न्यूज आई थी कि लॉस सैंटोस बीच पर होने वाला है आज शार्क शो। मतलब यार बहुत सारी शार्क आएगी और वो अलग अलग हमें कर्तव्य दिखाने वाली है। मतलब यार बहुत सारी शार्क आएगी और वो अलग अलग कर्तव्य हमें दिखाएगी। चलो फटाफट से चलते हैं। अबे वो टकले बीच में जो खड़ा है साइड हो जा वरना मर जाएगा। इधर आ, टकला किसको बोला? अबे कमजोर तेरे को टकला बोल रहा हूँ। अबे ये कितना ज्यादा कमजोर है, देखो इसकी सारी की सारी हड्डियां दिख रही है। ए बच्चे मुझसे मत टकरा वरना मिट्टी में मिल जाएगा, निकल जाए ऐसे। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, इतना सा टक्कर मारने से तो पूरा का पूरा गिर जा रहा है। अभी थोड़ी सी हवा आएगी ना तो इसको उड़ा के ले जाएगी। अबे टकला निकल जाए ऐसे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अट्टा माची सा टकली बॉयज। अरे लगता है अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाने वाला है। ओ आ जाओ आ जाओ चिंटू मिंटू आ जाओ। बोलिए बॉस क्या दिक्कत हो गई? बोलना काल लड़के क्या हो गया, बोलना तो मुझे मारने वाला था। अरे अंकल मैं क्यों आपको मारूंगा, पैरी पोना। अंकल आप बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर हो, चलो मैं चलता हूँ। रुक जा बच्चे, तूने मुझे टकला बोला, तूने मुझे कमजोर बोला, इतना सब बोलने के बाद मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बॉयज मारो इसको। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और आपको मिला के 8, तुम 8 लोगों और मैं अकेला, ये कहाँ की नाइंसाफी है। रुक जाओ अभी मैं जिम में जाके बॉडी बना के आता हूँ, फिर हम लड़ाई करेंगे। रुक जाओ मैं आता हूँ। रुक जाओ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम कहीं भाग ना जाओ। अरे मैं नहीं कहीं भागूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं हम फिर भी तुम्हारे साथ चलेंगे, चलो। अच्छा ठीक है चलो यार। अरे गाइस सर ये मैंने पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम अपने सर के ऊपर ले ली, इतने सारे बॉडी बिल्डर और ये कमजोर अंकल यहाँ पर आगे खड़े हो चुके हैं। अब मैं इनको कैसे हराऊंगा, मैंने इनको बोल तो दिया कि मैं जिम करके इनको हरा दूंगा। जल्दी करो मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अरे हाँ करो करो क्या करूँ, अब लगता है इनके सामने एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, बस मेरी बॉडी बन जाए फिर तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। कितना ज्यादा भारी है ये। अरे मैं इन सबको कैसे हराऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। रुक जाओ मेरे पास आइडिया है। अंकल ऐसी बॉडी बनने नहीं वाली, एक काम करो आप मेरे लिए बहुत सारा प्रोटीन शेक ले आओ, उसके बाद मैं बॉडी बना पाऊंगा। जल्दी जाके प्रोटीन शेक लेके आओ। लड़को मेरी बात सुनो, इसके लिए प्रोटीन शेक लेके आओ। हाँ सबके सब जाओ प्रोटीन शेक लेके आओ। सब नहीं सिर्फ 4 जने जाएंगे। अरे सबको भेजो ना। नहीं सिर्फ 4 जने जाओ, उसके लिए प्रोटीन शेक लेके आओ। लड़के जल्दी कर। हाँ करने तो दो, एक्सरसाइज तो करने दो मुझे। चलो गाइस फटाफट से बहुत सारे पुशअप लगाते, एक बार मेरी खतरनाक सी बॉडी बन जाए। अब सिर्फ 3 जने बचे और अंकल को तो हवा उड़ा के लेके जाएगी, आपको पता ही है। ए क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अरे गाइजर क्या करूं, इनको कैसे भगाऊं, मुझे ना अगर मेरी बॉडी इतनी जल्दी बनने नहीं वाली और मैं इनसे लड़ने गया तो ये तीनों मिलके मेरा भड़ता बना देंगे, मुझसे इनसे लड़ना नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है यार, मुझे बहुत ही डर लग रहा है इनसे, मुझे नहीं लड़ना। अरे ये प्राणी कौन है? अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चीज है? अरे थैंक यू भाई आपने मेरी मदद कर दी, इन सबको मार दिया, मैं ऐसे जिंदा जा पाऊंगा। थैंक यू भाई आप तो बहुत ही अच्छे हो, मेरे से हाथ मिलाओ यार, आप तो बहुत ही खतरनाक हो, उन तीनों को मार दिया। थैंक यू भाई थैंक यू। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या, मैं भालू कैसे बन गया? अरे बॉस ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया, ये सब ये क्या बन गए, मुझे समझ नहीं रहा ये क्या चीज है। ये सब इस काले लड़के की वजह से हुआ है, पकड़ो इसको, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो। अरे ये क्या हो गया, अरे इनको हुआ क्या, ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं ऐसे, और ये एकदम से सबके सब भालू कैसे बन गए, मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे क्या हो गया इन लोगों को। तो कैसे ये पता नहीं कौन से भालू मेरे पीछे पड़ गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये क्या, एक सेकंड यहाँ पर तो और भी है। अरे ये क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में, अरे ये पास कैसे आ गए, अरे भागो ऐसे, ये लॉस सैंटोस में चल क्या रहा है, इतने सारे भालू क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, निकलो यहाँ से। अरे कैसे मुझे बहुत ही डर लग रहा है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे छुपने वाला हूँ, इधर मुझे लगता नहीं ऊपर आ पाएंगे, तो चुपचाप झुक के बैठ जाते। ये कौन है? अरे क्या हो गया भाई, रो क्यों रहे हो? अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से वरना तुम भी एक खतरनाक भालू बन जाओगे, चले जाओ यहाँ से। खतरनाक भालू? अरे क्या खतरनाक भालू, क्या बोल रहे हो? लॉस सैंटोस में खतरनाक वायरस फैल रहा है, भालू आके तुमको काट रहे, उसके बाद तुम भी एक ज़ॉम्बी वाले भालू बन जा रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। मेरे पूरे परिवार को पकड़ लिया, मेरा छोटा बच्चा लुल्लू उसको भी उन्होंने भालू बना दिया और वो मुझे ही मारने
करने आ रहा था। मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाओ। अरे अंकल क्या बोल रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है, लॉस सैंटोस में खतरनाक वायरस फैल रहा है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे काइजर मैं क्या करूँ, ये अंकल मुझे बोल रहे लॉस सैंटोस में खतरनाक भालू वाला वायरस फैल रहा है, सारे के सारे ज़ॉम्बी भालू यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे उनसे कैसे भी करके बचना पड़ेगा, पर मैं जाऊँ कहाँ पर वो पूरे लॉस सैंटोस में फैले हुए, हमें लॉस सैंटोस छोड़ना पड़ेगा अगर उनसे बचना है तो। अरे वो आ रहे, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे ये तो आ गए, भागो, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मुझे बचाओ। नम 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 नम। अरे कैसर ये तो उसको खा गए, अरे कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, लगता है यहाँ से कूदना ही पड़ेगा, बचाओ मुझे। अरे कैसर ये कहाँ से आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये लोग तो मेरे पीछे भी जा रहे हैं, ये मुझे भी खाना चाहते हैं और अपने जैसा भालू बनाना चाहते हैं, पर मुझे नहीं बनना, कहाँ जाऊँ पर यार, ये तो हर जगह फैले हुए, कहाँ जाऊँ। अरे जल्दी जल्दी भागो, ये क्या सामने से कैसे आ रहे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ मुझे। अरे कैसर मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, इधर चढ़ जाता हूँ, इधर चढ़ो जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। अरे कैसे जल्दी ऊपर चढ़ जाते, मुझे नहीं लगता ये भालू यहाँ पे ऊपर आ पाएंगे, यहाँ पे सीढ़ियाँ, चलो चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये भालू यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, सारे के सारे भालू आप देख सकते हो वहाँ पे रुक चुके हैं और मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, लगता है मैं यहाँ पर सेफ हूँ। अरे कैसर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इन भालुओं से कैसे बचूँ, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये क्या, ये तो सीढ़ी पे आने लग गए, रुक जा मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहाँ जाऊँ यहाँ से, तो मैं नीचे कूद भी नहीं सकता, ये तो बहुत ही बड़ी चढ़ाई है, क्या करूँ, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं ऐसे नहीं कूद सकता। अरे ये तो इधर आ गए, अरे ये तो इधर भी ऊपर चढ़ रहे, अरे ये कैसे हो सकता है, ये भालू ऐसा कैसे हो सकता है, रुक जाओ, पर ये भालू नहीं है, ये इंसान भी है, लग गई। अरे कैसे, ये सिर्फ भालू नहीं है, ये पहले इंसान थे, इसलिए ये कहीं पर भी चढ़ पा रहे इंसानों की तरह, पर मैं इनसे बच के कहाँ जाऊँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ, ये तो इतने सारे भालू मेरे पीछे पड़ गए, ये सब लोग तो मुझे खाना चाहते हैं पर मुझे इनका डिनर नहीं बनना, कहाँ जाऊँ, यहाँ पर चढ़ के भाग जाते हैं, कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं तो निकलना पड़ेगा, मुझे बचा लो कोई तो बचा लो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर इन भालू ने मुझे खा लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी भालू बन जाऊंगा, और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये वाली सीढ़ियां भी चढ़ जाएंगे, मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, सारी छतों से कूद कूद के मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे ये तो फिर से मेरे पीछे पीछे आने लग जाए, और रुक जाओ यहाँ पे भाई के, जल्दी बैठ जल्दी बैठो, और कैसर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, बचाओ, गिर गया, अरे अरे मैं मरने वाला, अरे मैं तो मर जाऊंगा, अबे हट जाओ भालू, मैं तुम सबको मार दूंगा, एक बार बस गाड़ी के अंदर बैठने दो। अरे क्या है कर रहा, निकल यहाँ से। तो कैसर ये गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है, आप देख सकते हो तो इसके आगे कटर लगा हुआ है और पीछे ये खतरनाक सी शील्ड लगी हुई है, मैं इस खतरनाक सी गाड़ी से इन भालू को मार भी सकता हूँ, ये मैं सबको मार दूंगा, ये लो ये लो ये लो, सबको काट दूंगा। अरे एक सेकंड, ये तो मरने के बाद वापस से खड़े हो रहे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, चल मेरे साथ, इसको पकड़ के लेके चलूंगा, इसको मैंने पक्का मार दिया, अगर ये वापस खड़ा, ये तो वापस से खड़ा हो गया, ये लो इस गाड़ी में एक खतरनाक सी मिनी गन भी लगी हुई है, पर ये मिनी गन से भी इनको कुछ नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, ये ज़ॉम्बी भालू तो बहुत ही खतरनाक है, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, इस खतरनाक से मिनी गन से भी कुछ नहीं हो रहा, ना ही कुछ कटर से हो रहा है, ये लोग मर के वापस से जिंदा हो जा रहे हैं। चलो यार फटाफट से यहाँ से निकलते, मुझे कोई सेफ जगह जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, पूरे लॉस सैंटोस में फैले हुए। रुक जाओ कैसर, मुझे पता है इस लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही जगह है, सेफ जगह है, जो कि मुझे बचा सकती इन खतरनाक भालुओं से, वो है एवेंजर्स मेंशन, मैं जाने वाला हूँ एवेंजर्स मेंशन, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं, मेरे हाथ में से कौन भी आ रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, जल्दी से एवेंजर्स मेंशन चलते हैं, ये लॉस सैंटोस बिल्कुल भी सेफ नहीं है मेरे लिए, चलो फटाफट से एवेंजर्स हाउस पहुंचते हैं। तो कैसर अभी मैं एवेंजर्स मेंशन आ चुका हूं, और ये क्या, यहां पर भी वायरस फैल गया क्या, अरे ये आयरन मैन तो नहीं है, पता चले आयरन मैन भी एक खतरनाक सा टेडी बियर बन गया। एक सेकंड, ये रास्ता किसने बंद कर रखा है, अरे कैसे मुझे लगता है एवेंजर्स ने रास्ता बंद कर रखा है, पर हमारे पास गाड़ी है तो हम आराम से घुस गए उन भालू के लिए, मुझे लगता है बिल्कुल पूरा रास्ता बंद है, चलो फटाफट से चलते हैं, एवेंजर्स मुझे बचा लो। ये क्या है, अब इन्होंने क्या कर रखा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एक सेकंड, ये क्या, पेड़ों के बीच में से रास्ता, मैं डर गया, मैंने सोचा ये टैंक मुझे मारने वाले, और ये कैसे क्या ही खतरनाक सी सिक्योरिटी कर रखी है, पेड़ों के बीच में से निकलते
इतने खतरनाक खतरनाक मिलिट्री के वेपन से जो कि कोई भी खतरनाक से भालू को भून सकते हैं। तो कैसर अभी मैं एवेंजर्स मेंशन आ चुका हूँ, एवेंजर्स मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो कैसर अब फटाफट से एवेंजर्स से मदद मांगते हैं। आयरन मैन, स्पाइडर मैन, कहाँ पर हो तुम? आयरन मैन, अरे कहाँ पर ये सब लोग? एवेंजर्स कहाँ पर हो तुम? कहाँ? एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे तुम कोने में क्या कर रहे हो? अरे स्पाइडर मैन क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन क्या बताएं, स्पाइडर मैन वो खतरनाक खतरनाक भालू देख देख के डर चुका है और वोंडा भी डर चुकी है। वो कब से रोए जा रही है। अरे क्या हो गया विजन को? वो एक ज़ॉम्बी भालू बन चुका है और आयरन मैन भी। क्या आयरन मैन भी? अरे मैं तो आयरन मैन से मदद मांगने आया था, वो खुद ही ज़ॉम्बी भालू बन गया। हाँ वो ज़ॉम्बी से लड़ने गया था और वो खुद ही भालू बन गया, उसके बाद वो नहीं आया, इसलिए हम कोने में छुप के बैठे हैं, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। अरे पर हम करेंगे क्या, लॉस सैंटोस को कैसे बचाएंगे? हल्क बचाएगा लॉस सैंटोस को। क्या कैसे? हल्क बहुत ही पावरफुल है, हल्क सबको खत्म कर देगा, हल्क बालों के राजा को खत्म कर देगा। बालू को राजा? इनके बालू को राजा भी है क्या? हाँ फ्रैंकलिन, इन बालू को राजा भी है। मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, देखो जल्दी से। हाँ भेजो भेजो। अरे कैसे, मुझे अभी भी पता चला इन सारे बालू का कोई राजा भी है। चलो देखते हैं इनके बालू का कौन राजा है। एवेंजर्स तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लॉस सैंटोस के सुपर हीरो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आयरन मैन और विजन यहाँ पर आए थे पर उनकी हालत मैंने ऐसी कर दी है। ये है तुम्हारा आयरन मैन और ये है विजन, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस लॉस सैंटोस का नाम अब से बालू सैंटोस होने वाला है। जितने भी एवेंजर्स बचे तुम सब भी नहीं बचोगे, तुम सबको भी मैं पकड़ के रहूंगा। देखा तुमने फ्रैंकलिन, इन बालू को राजा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम क्या करेंगे? डरने की बात नहीं है, हल्क तुम्हारे साथ है, हल्क सबको तबाह कर देगा, हल्क सबको मार देगा। अरे हल्क क्या बोल रहे, वो तुझे भी खा के बालू बना देंगे। हल्क किसी से नहीं डरता, हट जाओ, हल्क उन बालू को नहीं छोड़ेगा। अरे हल्क मेरी बात सुन। अरे हल्क रुक जा। हल्क नहीं सुनेगा, हल्क उन बालू के राजा को नहीं छोड़ेगा। बालू आ रहा है हल्क तुम्हें तबाह करने। ए बालू डॉन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे दोस्तों को बालू बनाया है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं आ गया और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस लॉस सैंटोस से भाग जा वरना तू मरेगा। तुम मुझे मारना चाहते हो हल्क? आ जाओ फिर देखते कौन किसको मारता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हल्क, तूने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या कर रहे हो, ये तुम जमीन में कैसे जा रहे हो? मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं हल्क, मैं सबसे खतरनाक हूँ और मैं तुझे भी खा जाऊंगा। तुझे खाने के बाद तेरी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएगी हल्क। मुझे बचाओ। मुझे कोई नहीं बचा सकता। इन सारे एवेंजर्स को बताना पड़ेगा हम कितने खतरनाक हैं। मेरे सारे साथियों एवेंजर्स मेंशन पर अटैक करो। मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, अब मुझे पता है हल्क वापस कभी नहीं आने वाला। क्या हल्क वापस नहीं आने वाला? हाँ वो बालू मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, वो उस हल्क को नहीं छोड़ने वाला, हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे पर क्या करें, वो सब लोग बहुत ही खतरनाक है। रुक जाओ, मेरे पास एक आईडिया है। क्या कौन सा आईडिया? हम पूरे लॉस सैंटोस को बचा सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई मैजिक बोर्ड। क्या जादुई मैजिक बोर्ड? हाँ मैंने भी उसका नाम सुना है, वो बोर्ड बहुत खतरनाक है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो फिर जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाओ ना। नहीं बुला सकते क्योंकि वो अभी इस गैलेक्सी में नहीं है, इस यूनिवर्स में नहीं है, वो हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर गए हुए हैं। पर उनका मैजिक बोर्ड तो उनके मंदिर के अंदर ही होगा। हाँ बात तो सही है, अगर हमें उनका मैजिक बोर्ड चाहिए तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनके मंदिर में। अरे तो चलो फटाफट चलते हैं। पर कैसे जाएंगे, बाहर तो बहुत सारे भालू घूम रहे ना। अरे उन भालू के ऐसी की तैसी, बाहर इतनी खतरनाक गाड़ी है ना, उनमें बैठ के चलेंगे। चलो फटाफट चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं विजन बाबू के बिना नहीं जाऊंगी।
अरे तेरे विजन बाबू को बचाने जा रहे, चल यार जल्दी चलते हैं। तो कैसा, अभी हमने प्लान बनाया है, हमें चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बोर्ड जिसकी मदद से हम इन सारे बालों को इस लॉस सेंटर से बाहर भगा पाएंगे। चलो फटाफट चलते हैं, जल्दी सबके समा जाओ। तो कैसा, अभी सारे के सारे एवेंजर्स और मैं बैठने वाले इस खतरनाक सी गाड़ी में ताकि हम जा पाए डॉक्टर स्ट्रेंज के मंदिर में। अरे वांडा इधर आ, मुझे बहुत डर लग रहा है, विजन बाबू कहां पर है? विजन बाबू को बाद में देखेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा कैप्टन अमेरिका बैठ चुका है उस खतरनाक सी गन पे, स्पाइडरमैन बैठ चुका है और वांडा अंदर बैठ चुकी है और मैं गाड़ी चलाने वाला हूं फुल स्पीड में और हम जाने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के मंदिर में जहां पे मिलेगा वो खतरनाक सा मैजिक बोर्ड। चलो गाइस फटाफट से एवेंजर्स हाउस में निकलते हैं, लगता है वो सारे के सारे भालू यहां से जाए आ गए। मुझे लगा ये सबके सब चले गए यहां से, पर ये तो डरिए, मारो कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन, हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये लो, तो गाइस अभी इनको मारते हुए हम निकलने वाले हैं, सारे के सारे बालू को हमने उड़ा दिया। चलो फटाफट चलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के मंदिर में ताकि हम वो खतरनाक सा मैजिक बोर्ड यूज कर पाए, तभी हम लॉस सेंटोस को बचा पाएंगे। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर देना और हम चलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के मंदिर पर। तो गाइस अभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मंदिर के हमें पहुंचने वाले और यहाँ पर आते हुए हमें कोई भी यार भालू नहीं दिखा, मतलब इधर आसपास कोई भी भालू नहीं है। एक सेकंड, ये क्या चीज है? हेलो, कैसे हो तुम? एक सेकंड, ये क्या, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा है क्या? नहीं, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, अंदर जाओ, जो तुम्हें चीज चाहिए वो तुम्हें अंदर ही मिलेगी। अच्छा ठीक है, इसको पहले से पता है। और कैसर, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा लग रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे हो तुम? डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी मदद करो। हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सिक्योरिटी गार्ड है दूसरे यूनिवर्स से, ये बात नहीं करता। अरे मेरे को लगा डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर खड़ा है। एक सेकंड, यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर स्ट्रेंज है, यहाँ पर भी एक और डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा है और वहाँ पे एक और डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? डॉक्टर स्ट्रेंज खुद तो यहाँ पर है नहीं, पर खुद के पुतले यहाँ पे खड़े करके चला गया। गाइस सर ये सब छोड़ो, हम जो मेन काम कह रहे थे हमें वो करना है, हमें ढूंढना है उस खतरनाक से मैजिक बोर्ड को। ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इस पूरे टेम्पल में हमें ढूंढना है डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक बोर्ड को। चलो फटाफट से ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगा वो हमें मैजिक बोर्ड। जल्दी से जल्दी हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, उसी की मदद से हम इस लॉस सेंटोस को बचा सकते हैं। और ये क्या बना रखा है यहाँ पे, देख सकते हो कितनी सारी तलवारें पड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल जादूगर है, इसलिए उसके पास वो खतरनाक सा मैजिक बोर्ड भी है जिससे हम लॉस सेंटोस को बचा सकते हैं। पर वो मिल नहीं रहा मुझे, वो अलग बात है, कहाँ पर है वो मैजिक बोर्ड? अगर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अभी होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, वो लॉस सेंटोस को वैसे ही बचा लेता। हमारे आयरन मैन भी बन चुके हैं खतरनाक, हमारा आयरन मैन भी एक भालू बन चुका है, कहाँ पर मिलेगा मैजिक बोर्ड? मुझे तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर है वो मैजिक बोर्ड यार? अरे कैसर अगर आपको मैजिक बोर्ड दिख चुका है तो फटाफट से कमेंट कर दो, मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने छान मारा यार, कहाँ पर है? एक सेकंड, ये कौन सा गेट है? मुझे लगता है कोई सीक्रेट गेट होगा यहाँ पे, इधर भी कुछ नहीं है। अरे यार मुझे तो मिल ही रहा हूँ मैजिक बोर्ड, कहाँ छुपा के गया डॉक्टर स्ट्रेंज, कहाँ पर है? एक सेकंड, अबे ये तो इधर ही है। अरे मैं अभी उधर से गया था, मुझे तो दिखाई नहीं दिया था, पर कोई बात नहीं, हमें ये खतरनाक सा मैजिक बोर्ड मिल चुका है। चलो गाइस इसको फटाफट से लेके चलते हैं और इस लॉस सेंटोस को बचा लेते हैं। स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, वांडा, ये देखो आखिरकार हमें वो मैजिक बोर्ड मिल गया। अरे फ्रैंकलिन तो तेरी किस बात की, फटाफट से कुछ ऐसी खतरनाक चीज बना दो जो कि वो सारे के सारे भालू को लॉस सेंटोस से बाहर भगा दे। तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी चीज बनाने वाला हूँ, वो सारे के सारे भालू यहाँ से भाग जाएंगे। चलो गाइस फटाफट से इनके लिए बनाते हैं ऐसी खतरनाक सी चीज। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इस मैजिक बोर्ड पर और उस खतरनाक से बियर बॉस को हम हराने के लिए बनाने वाले एक खतरनाक चीज। मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक सा आइडिया है, बस आप देखो मैं क्या खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ। पहले ये करेंगे, फिर यहाँ पर एक और छोटा सा बनाएंगे, फिर एक और छोटा सा बनाएंगे और यहाँ पर एक और बड़ा भी बनाना, तो इसको इतना कर देते हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं हम क्या खतरनाक चीज बनाने वाले हैं। अगर आपको पता चल गया कि मैं क्या बनाने वाला हूँ तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा, किसी ने ये बता दिया तो वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। चलो गाइस फटाफट से इसको कर देते हैं और थोड़ा सा कलर भी हम इसके अंदर डालने वाले, जैसे कि इसके अंदर ये वाला, इसको हमको करना है ब्लैक, ब्लैक, ग्रे और यहाँ पर ब्लैक, और हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये देखो मेरा इलाज। अरे ये क्या, ये तो स्पीकर से। हाँ ये स्पीकर से,
हम इनमें बहुत ही खतरनाक खतरनाक गाने बजाएंगे, फिर उन सारे भालू को यहाँ से भगा देंगे। अरे क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, अभी तुमको गाना बजा के दिखाता हूँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चुप 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 चुप, ये क्या कर रहे हो? अगर ये गाना बजाओगे तो बाकी सारे यूनिवर्स के भी लोग इधर आके तुमको मारेंगे। अरे इतना अच्छा आइडिया तो है। ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ और बनाओ। अरे अब कुछ और बनाना पड़ेगा, रुक जाओ, मेरे पास एक और आइडिया है। इस बार कुछ अच्छा बनाना। अरे तुम टेंशन मत लो, तू कहे सर पिछली वाली पेंटिंग इन लोगों को पसंद नहीं आई, पर ये वाली बहुत खतरनाक पसंद आने वाली है। इससे वो भालू मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। सबसे पहले चाहिए हमें एक छोटी गन। अब आप सोच रहे हो गन से क्या होगा, तो हम इससे भी बड़ी गन बनाएंगे। रुक जाओ, बस आप देखते जाओ, इतना सारा मैं गन्स का कलेक्शन बनाने वाला हूँ। इस गन में से निकलती है बहुत सारी खतरनाक गोलियां। और हाँ, हमको एक मिसाइल लॉन्चर ही बनाना है। मैं एक पूरा का पूरा वेपन कलेक्शन बनाने वाला हूँ, जिससे हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये हमारा खतरनाक सा मिसाइल लॉन्चर यहाँ बन चुका है। और हम एक स्नाइपर भी चाहिए, इसलिए हम एक खतरनाक सी स्नाइपर ही बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो इसमें कितना खतरनाक सा स्कोप हम लगाएंगे, जिससे हम उसको दूर से ही देंगे। तो ये हमारी खतरनाक सी स्नाइपर रेडी हो चुकी है। और हमें थोड़े से और वेपन चाहिए, जैसे कि हाथ वाला डंडा और एक स्वॉर्ड भी मुझे चाहिए। तो एक स्वॉर्ड भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड भी चाहिए, तो मैं खतरनाक सी स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कितनी खतरनाक ये लग रही है। और मुझे एक हैमर भी चाहिए, जिससे मैं उसका सर खोल सकूं। तो यहाँ पे एक हैमर भी यहाँ पर बना देते हैं। और भी कुछ खतरनाक मैं गन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। इसमें से निकलेगी खतरनाक सी लेजर, जिससे हम उसको पूरा का पूरा भूनने वाले। और कुछ खतरनाक बॉम्ब, जिससे हम उसको उड़ा देंगे। और एक ग्रेनेड भी हमें चाहिए, बिल्कुल एप्पल जैसा ये लगेगा, पर ये बहुत ही ज्यादा तेज फटने वाला है। तो कहो सर, आपको क्या लगता है, हम इन चीजों से उस बालू को हरा पाएंगे? फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये देखो इतने खतरनाक वेपन्स, इसमें है बहुत सारी खतरनाक मिसाइल्स, जो कि उनको मार देगी, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन, भूल गए क्या, वो लोग ज़ॉम्बीज है, अगर हम उनको मारेंगे तो वापस जिंदा हो जाएंगे। मुझे लगता है तुम ये नहीं कर सकते, मुझे ये करना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका, तुम ही करो, ये इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। अरे रुक जाओ, अरे मैं तो भूल ही गया था, वो ज़ॉम्बीज तो इनसे मारेंगे नहीं, हम उनको गोलियों से मारेंगे, वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज हैं। अरे कुछ ऐसा बनाओ जिससे हम उसके बॉस को हरा पाए, अगर हमने उसके बॉस को हरा दिया तो वो लॉस सेंटोस छोड़ के चले जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, हमें सिर्फ उसके बॉस को हराना है। रुक जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। रुक जाओ, मेरे पास एक खतरनाक सा आइडिया है। कैसर, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया आ चुका है, उसके बाद वो बॉस बिल्कुल नहीं बचने वाला। चलो फटाफट से इसको बनाते हैं। तो कैसर, हमें वो आखिरी हथियार बनाना पड़ेगा, जिससे हम उस खतरनाक से भालू मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। तो कैसर, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इससे हम उस भालू मॉन्स्टर को पक्का हरा देंगे, मतलब 101 करोड़। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बना रहा हूं, पर जब आप देखोगे ये बन जाएगा पूरा का पूरा, आपको ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। चलो गाइस, फटाफट से इसको बनाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कुछ खतरनाक बनने वाला है। तो गाइस, इसके बाद अगर हमने उस खतरनाक से मॉन्स्टर को हरा दिया, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, याद रखना। अभी आप बस देखते जाओ हम क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पर इसका पैर बनाएंगे, इसके पैर थोड़े छोटे बन गए, पर कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे बाद में। और इसका यहाँ पर ये हाथ भी है, इधर इसकी बॉडी पूरी की पूरी आने वाली है। और गाइस आप देखना ये कितना ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। इधर बनाएंगे हम इसकी खतरनाक सी चेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी बिल्डर है। और यहाँ पर इसके एम्स भी बना दे, थोड़े से एम्स वैसे उसके है नहीं, पर हम कोई बात नहीं बना देंगे, ताकि हम खतरनाक से लगे। आप देख सकते हो इसके 6 पैक्स भी आ चुके हैं। और यहाँ पर इसकी खतरनाक बाल, आप देख सकते हो कितने ज्यादा बड़े। अब इतने बड़े बाल तो एक ही जानवर के होते हैं, वो है बियर। आप सोच रहे हो मैं बियर क्यों बना रहा हूँ, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। इसकी यहाँ पे खतरनाक आंखें बनाने वाले, और यहाँ पे बड़ा सा मुंह, जिसके अंदर है खतरनाक दांत। तो गाइस, अगर आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि जिनको भी पता चल गया है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किल चीज उनको पता चल गई, तो फटाफट से कमेंट करके बता देना। पर अब हम इसको बस कम्प्लीट करने वाले, थोड़ा
थोड़ी सी तेल में अब इसमें थोड़ा सा कलर वलर ऐड कर रहे थे ताकि ये कुछ खतरनाक सा लगने लग जाए। सबसे पहले आप इधर इसको कलर करेंगे ताकि ये बिल्कुल रियल जैसा लगने लग जाए। इधर भी इसको कलर कर देते, पूरा हम कलर करने वाले। और यहाँ पर ये व्हाइट नहीं, ये रहेगा ग्रे, इसके कान भी ग्रे और इसके बाल हम इसको करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लू। आप देख सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है। तो गाइस सारे, ये है वो बियर मॉन्स्टर, ये मतलब उसका छोटा वाला वर्जन है। मैं उसका बनाने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला बियर वर्जन। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसकी आंखें थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इसको बड़ा वर्जन कर देते हैं और हम इसकी आंखों में थोड़ी सी आई बॉल डालने वाले। आप देख सकते हो हमने इसको आंखें भी दे दी है। तो क्या आप तैयार हो उसको देखने के लिए रियल लाइफ में? उससे पहले हमको इसका साइज चाहिए इनटू 100, जितना ये पहले था उससे ये मल्टीप्लाई बाय 100 होने वाला है इसका साइज। तो देखते हैं कैसा ये लगने वाला है रियल लाइफ में। ये बनने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर। क्या तुम लोग मेरी ड्रॉइंग देखने के तैयार हो? बताओ तुमने क्या बनाया? 3, 2, 1, ये देखो। अरे ये क्या बना डाला? ये तो वो बालू का बॉस है। ये बालू के बॉस जैसा दिखता है पर ये मैं हूँ और उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने सेम का सेम वो बालू का बॉस बना दिया है पर 100 गुना बड़ा। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं उस बालू के बॉस को यहाँ से निकालते हैं लॉस सेंटोस से। हमेशा हमेशा के लिए हम उसको भगाने वाले हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आ रहा हूँ मैं बालू के बॉस। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये यहाँ पर कैसे आ गया? हेलो हेलो बालों के बॉस, क्यों हिलड़ा लाना? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है और ये हो चुका है बालों के बॉस। अब तू नहीं बचने वाला। तूने लॉस सेंटोस को बहुत परेशान कर लिया, तूने मेरे दोस्तों एवेंजर्स को बहुत परेशान कर लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, लगता है हमारा तो बैंड बाजा बनने वाला है। तुमने बिल्कुल सही कहा, बैंड मैं बजाऊंगा और बाजा तुम्हारा बजेगा। इसकी तो ऐसे की तैसी, खेलो हट जाओ सब के सब। गाइजर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसने लॉस सेंटोस को बहुत परेशान कर लिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अबे इधर आ, इसको मैं लेके जाता हूँ थोड़ा लॉस सेंटोस घुमाते। इस लॉस सेंटोस को तू परेशान कर रहा था। तू गाइजर अभी देख सकती मेरे हाथ में कैसे फड़फड़ा रहा है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि इसने बहुत परेशान किया लॉस सेंटोस को। ये निकल यहाँ से। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये ले साले, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। निकल जा यहाँ से। मुझे छोड़ दो। ये ले। तो गाइजर हमने ज़ॉम्बी बालों के लीडर को खत्म कर दिया, मतलब लॉस सेंटोस वापस से नॉर्मल हो जाएगा। हमने पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को बचा लिया है इन खतरनाक बालुओं से। तो गाइजर आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉन फॉलो कर लेना। और गाइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।